बॉलीवुड के गलियारों में हमेशा ही सेलिब्रिटीज अपने प्रोफेशनल करियर के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी सुर्खियां बटोरते हुए देखे जाते हैं। इंडस्ट्री में जहां एक ओर आप सभी को एंटरटेन करते हुए नजर आते हैं, बड़े पर्दे पर अपने शानदार एक्टिंग, अपने गुड लुक और अपनी खूबसूरती के जरिए, वहीं दूसरी ही तरफ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में बने रहते हैं। जी हाँ, कभी वादों से घिरते हुए नजर आते हैं तो कभी एक दूसरों के साथ रिश्तों को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं। जहां एक ओर बड़े पर्दे पर हीरो हीरोइन के बीच की रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिलती है और ये रोमांटिक केमिस्ट्री फैंस को इतनी भा जाती है कि असल जिंदगी में भी उन सितारों को एक साथ देखना पसंद करते हैं। यूं तो इंडस्ट्री में कई ऐसी प्रेम कहानियां हैं जो कि पूरी हुई हैं, लेकिन कई प्रेम कहानियां हैं जो अधूरी रही हैं। वेल, बताना चाहेंगे आप सभी को कि इंडस्ट्री में ऐसे तमाम स्टार्स हैं जिनकी प्रेम कहानियां पूरी हुई, लेकिन शादीशुदा जिंदगी जहां एक ओर उनकी ठीक चली लेकिन कुछ सालों बाद ही उनकी शादियां टूट भी गईं। इस लिस्ट में कई सितारों का नाम शामिल है। हम बात करेंगे हमारे इस प्रोग्राम में बॉलीवुड के फेमस स्टार के बारे में, जिन्होंने ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई बल्कि बीटाउन की दुनिया में भी काफी पॉपुलर है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय, बॉलीवुड के फेमस स्टार शाहिद कपूर के पिता, दिग्गज अभिनेता पंकज कपूर के बारे में। हम बात करेंगे यहाँ पर पंकज कपूर की पर्सनल लाइफ के बारे में, जो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में। मैं हूँ आपकी होस्ट प्रांशि राठौर और मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ अपने इस प्रोग्राम के जरिए पंकज कपूर की शादियों के बारे में कि किस तरह से वह दो बार शादी किए और कैसी जिंदगी बिता रहे हैं आज के समय में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि आज का दिन पंकज कपूर के लिए बेहद खास है। पंकज कपूर आज अपना 67th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और जन्मदिन के खास मौके पर पंकज कपूर को ढेरों शुभकामना संदेश भी मिल रहे हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को कि उनके जन्मदिन के खास मौके पर कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं तो कई सच भी सामने आ रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हम बात करेंगे पंकज कपूर की शादीशुदा जिंदगी के बारे में, किस तरह से पंकज कपूर दो बार शादी के बंधन में बंधे हैं। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि पंकज कपूर ने हिंदी थिएटर से लेकर टेलीविजन और फिल्मों की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई है। पंजाब में पंकज कपूर का जन्म हुआ तो वहीं एजुकेशन भी वहीं से कंप्लीट की, लेकिन जब वह पढ़ाई कर रहे थे उसी दौरान उनका लगाव थिएटर की तरफ होने लगा था और वह एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते थे, जिसके चलते पंकज कपूर ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग की पढ़ाई करना भी शुरू कर दी। पंकज कपूर बाद में टीवी टाउन की और फिल्मों की दुनिया में कदम रखे और अब तक कई बेहतरीन फिल्मों में अहम किरदार निभाते हुए नजर आ चुके हैं। इन फिल्मों में देखा जाए तो फिल्मों के नाम शामिल हैं राख, एक डॉक्टर की मौत और मकबूल। वहीं इन फिल्मों के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। पंकज कपूर का फिल्मी करियर बेहद शानदार रहा है। पंकज कपूर अपने बेटे शाहिद कपूर के साथ भी स्क्रीन शेयर कर चुके हैं और जहां एक ओर पंकज कपूर अपनी शानदार एक्टिंग के लिए मशहूर हैं तो वहीं उनके बेटे शाहिद कपूर भी। लेकिन जहां एक ओर शाहिद कपूर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोरते हुए देखे जाते हैं, वहीं पंकज कपूर भी आज के समय में शाहिद कपूर अपनी पत्नी मीरा राजपूत और अपने दोनों बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। वहीं गौर किया जाए पंकज कपूर की शादीशुदा जिंदगी के बारे में तो पंकज कपूर की दो बार शादी हुई है। पंकज कपूर की पहली शादी हुई एक्ट्रेस नीलिमा अजीम के साथ, जब पंकज कपूर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान उनकी मुलाकात नीलिमा अजीम से हुई थी। साल 1976 में
दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई। दोनों एक दूसरे के दोस्त बने और दोनों एक दूसरे के दीवाने हो गए और एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और उस वक्त पंकज कपूर की उम्र महज 21 साल थी और नीलिमा अजीम महज 16 साल की थी। दोनों शादी के बंधन में बंध गए साल 1989 में। दोनों दिल्ली में सेटल हुए और साल 1981 में नीलिमा अजीम ने बेटे शाहिद को जन्म दिया, लेकिन ये शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई। ये शादी महज कुछ सालों बाद ही टूट गई। साल 1984 में दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए और इसके बाद पंकज कपूर की जिंदगी में एंट्री हुई एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक की। दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी साल 1986 में फिल्म नया मौसम के दौरान। यह फिल्म कभी रिलीज तो नहीं हुई, लेकिन दोनों के प्यार के चर्चे हुए। जी हाँ, दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और ये रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। और फिर क्या था, साल 1988 में पंकज कपूर शादी के बंधन में बंध गए सुप्रिया पाठक के साथ। सुप्रिया पाठक के साथ पंकज कपूर ने शादी की और आज के समय में दोनों के दो बच्चे हैं। सुप्रिया पाठक और पंकज कपूर की बेटी हैं सना कपूर और बेटे हैं रोहन कपूर। और आज के समय में पंकज कपूर सुप्रिया पाठक के साथ बेहतरीन जिंदगी बिता रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो पंकज कपूर की पहली पत्नी नीलिमा अजीम अपने बेटों के साथ बेहतरीन जिंदगी बिता रही हैं। वहीं दूसरी तरफ नीलिमा अजीम अपने बेटे शाहिद कपूर और बेटे ईशान खट्टर के साथ बेहतरीन जिंदगी बिता रही हैं। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि जहां एक ओर पंकज कपूर अपनी लाइफ में आगे बढ़े, तो वहीं नीलिमा अजीम भी शादी के बंधन में बंधी पंकज कपूर के साथ शादी टूटने के बाद। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि साल 1990 में नीलिमा अजीम दूसरी बार शादी के बंधन में बंधी अभिनेता राजेश खट्टर के साथ। शादी के बंधन में बंधी नीलिमा अजीम और शादी के बाद नीलिमा ने ईशान खट्टर को जन्म दिया, लेकिन ये शादी भी लंबे समय तक नहीं चल पाई और साल 2004 में नीलिमा तीसरी बार शादी के बंधन में बंधी। जी हाँ दोस्तों, तीसरी बार नीलिमा शादी के बंधन में बंधी रजा अली खान के साथ, लेकिन आज के समय में नीलिमा अकेले जिंदगी बिता रही हैं अपने बेटों के साथ। वहीं बात की जाए यहाँ पर पंकज कपूर की शादीशुदा जिंदगी के बारे में, तो किस तरह से अपनी पत्नी सुप्रिया पाठक के साथ जिंदगी बिता रहे हैं। दरअसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि सुप्रिया से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया था पंकज कपूर के साथ रिश्ते को लेकर, शादी को लेकर, उस दौरान सुप्रिया ने बताया था अपने इंटरव्यू में कि मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि पंकज पहले से शादीशुदा हैं। मैं उनसे एक क्लीन स्लेट की तरह मिली, हमारे बीच में कुछ भी छिपा नहीं था और हमने अपने जीवन की शुरुआत नए सिरे से करने की ठानी। मगर पंकज ने पहले से ही क्लियर कर दिया था कि शाहिद कपूर उनकी प्रायोरिटी हैं, उनके लिए वह बहुत मायने रखते हैं और मुझे इससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। भले ही पंकज कपूर दूसरी बार शादी के बंधन में बंधे, लेकिन अपने बेटे का बखूबी साथ देते हैं, अपने बेटे शाहिद के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करते हैं और आज के समय में शाहिद कपूर अक्सर पंकज कपूर से मिलते रहते हैं, उनके साथ काम करते हुए नजर आते हैं और बेहतरीन बॉन्डिंग साफ तौर पर जाहिर करती है कि पंकज कपूर अपने बेटे शाहिद से बेहद प्यार करते हैं। वहीं ईशान खट्टर अपने पिता राजेश खट्टर से मिलते रहते हैं और भरपूर प्यार लुटाते हुए भी देखे जाते हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। लेकिन जाने से पहले पंकज कपूर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।